ब्रिक्स की मीटिंग का आ गया बुलावा। साउथ अफ्रीका के रिक्वेस्ट पर भारत हुआ जाने को तैयार, लेकिन पाकिस्तान भी कर रहा है ब्रिक्स में सेंध लगाने की तैयारी। आखिर क्यों खतरनाक है पाकिस्तान ब्रिक्स के लिए? भारत ने सभी सदस्यों के सामने पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती। दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग का बुलावा आ चुका है। इस बार ये मीटिंग साउथ अफ्रीका में होनी है। भारत ने यहाँ पर जाने के लिए हामी भी भर दी है। पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारत चिंता में पड़ गया है। पाकिस्तान भी ब्रिक्स में एंट्री करना चाहता है और उसने ब्रिक्स में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर चाइना की मदद से पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब हुआ तो भारत के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। भारत बात को भली भांति जानता है कि पाकिस्तान कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए भारत ने भी पाकिस्तान को उल्टे पांव वापस भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने पाकिस्तान को सरेआम बेइज्जती कर डाली है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी प्रकरण के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हाल से तो दुनिया वाकिफ है। इस समय पाकिस्तान एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहा है, लेकिन अब वो ब्रिक्स में घुसना चाहता है, जिसके लिए उसने चीन की मदद लेनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इनमें से 4 देशों ने 2009 में मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। लेकिन जिस तरीके से पिछले काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात चल रही है, वैसे ही ब्रिक्स के विस्तार की भी बात चल रही है। यूएई और ईरान जैसे कई बड़े देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए सभी देश लंबे समय से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब भारत तो पाकिस्तान को एंट्री कभी नहीं कराएगा, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की मदद मांग ली है। पर आखिर पाकिस्तान इस संगठन में जुड़ने के लिए इतना उतावला क्यों है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और पाकिस्तान चाहता है कि इस संगठन में घुसने के बाद वो फिर से भीख मांग सके। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा बने? दरअसल दोस्तों, 2009 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म करना था, क्योंकि पश्चिमी देश अपनी मनमानी करते थे और पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमाते थे। इसलिए उस समय पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं को इस संगठन का हिस्सा बनाया गया। आज ये सभी देश दुनिया के एक खास पहचान रखते हैं और पश्चिमी देशों को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे में अगर इसका विस्तार होता भी है तो इसमें ऐसे देश जुड़ने चाहिए जिनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो, ताकि संगठन का स्तर अच्छा बना रहे। भारत ने कहा है कि अगर ब्रिक्स में नए सदस्य जोड़े जाने हैं तो ये वो देश होने चाहिए जो उभरती अर्थव्यवस्था या लोकतंत्र हो, जैसे अर्जेंटीना और नाइजीरिया। लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान जुड़ा तो संगठन कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खुद ही खराब हालत से गुजर रही है और उसके साथ ही पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। सऊदी, यूएई, मिस्र और ईरान समेत दर्जनों देश ब्रिक्स संगठन का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और इसकी सदस्यता के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, लेकिन इन देशों के संगठन के साथ जुड़ने की खिलाफत भारत नहीं करता। यही सब बोलते हुए भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन अगर चीन के सपोर्ट से किसी तरह पाकिस्तान ने इस संगठन में घुसने में कामयाबी पा ली तो भारत क्या करेगा? अगर भारत की इस बात के बावजूद पाकिस्तान ब्रिक्स में सेंध लगाने में कामयाब हो जाता है तो भारत एक बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत इस संगठन की सदस्यता को छोड़ सकता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि संगठन में पाकिस्तान हिस्सा बने। भारत का संगठन को छोड़ना दूसरे देशों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके मॉरल वैल्यूज काफी अच्छे हैं और हमेशा बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात करता है। ऐसे में अगर भारत इस संगठन को छोड़ता है तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इस संगठन में बचेंगे चीन और रूस। चीन का रवैया तो आप जानते ही हैं कि वो अपने नीचे आने वाले सभी सदस्यों को दबाकर रखने वाला है। ऐसे में संगठन के दूसरे देश भी नहीं चाहते कि भारत इस संगठन को छोड़ दे। इसके लिए भारत ने बाकी सदस्यों को कह दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें खड़ा होना होगा, वरना भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं रहेगा। भारत के इस कदम पर पाकिस्तान द्वारा एक झूठ फैलाने की भी कोशिश की जा रही है कि भारत इस संगठन का विस्तार करना ही नहीं चाहता, लेकिन भारत ने सीधे तौर पर कह दिया है कि विस्तार के खिलाफ नहीं है भारत, बल्कि वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि संगठन में पाकिस्तान जैसे बेकार देशों की एंट्री ना हो। ब्रिक्स संगठन की आने वाली मीटिंग में सभी देश पहुंचने वाले हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें नहीं जुड़ पाएंगे।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका यात्रा करके इस संगठन की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग को वर्चुअल अटेंड करने पर राजी हो गए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स को लेकर केस दर्ज किया है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो मेंबर कंट्री होने के नाते साउथ अफ्रीकी सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसलिए दोनों देशों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है कि पुतिन ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग नहीं जाएंगे, हालांकि वो वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के साथ साथ अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। इस बैठक में सदस्य देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें व्यापार, निवेश, वित्त, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, संस्कृति और रक्षा शामिल है। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी, जिसमें यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी और क्लाइमेट चेंज शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है जहां सदस्य देश अपने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक मामलों में एकजुट होकर खड़े होने के लिए मिलते हैं। इस बैठक से उम्मीद है कि सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकजुट होकर काम किया जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।